मधुबनी में लखनौर में नौ कुंडीय श्रीराम महायज्ञ का भव्य आयोजन। 501 वारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा के साथ यज्ञ का शुभारंभ। अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य महायज्ञ का आयोजन। महायज्ञ में पूजा पाठ, दर्शन, हवन, प्रवचन से आध्यात्म में बना क्षेत्र का माहौल। मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड क्षेत्र के छारापट्टी गांव में नौ कुंडीय श्री राम महायज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया। 501 वारी कन्याओं सहित हजारों ग्रामीण और गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर आयोजित भव्य कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा का शुभारंभ राम जानकी मंदिर परिसर से हुआ। गाजे बाजे के साथ युवाओं की टोली कलश यात्रा में शामिल होकर हरबंगा, कटमाखोर, परमेसरा, रुपौली, लखनौर, डिहीवार स्थान होते हुए कोरिया पट्टी के बाद पुनः छारापट्टी राम जानकी मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर स्थित तालाब में सभी कन्याओं ने पूरे विधि विधान के साथ जल भरा। आचार्य अशोक मिश्रा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी को पूजा अर्चना कराया गया और कलश स्थापित की गई। श्री राम के जय घोष से रह रह कर वातावरण गूंजमान होता रहा। आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व सरपंच राम नंदन महतो और सचिव पूर्व मुखिया चंद्रकांत सिंह ने यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस यज्ञ के संयोजक अयोध्या के बाल योगी आचार्य श्री रामदास जी महाराज हैं। प्रतिदिन यज्ञ स्थल पर बने भव्य पंडाल में अयोध्या के कथावाचक भरत लाल शास्त्री का कथा वाचन संध्या 5 बजे से होगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत रामलीला और रास लीला का भी आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन आयोजन स्थल पर विशाल भंडारा का भी किया जाएगा। आपको बता देंगे अयोध्या में भव्य मंदिर में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष जय कृष्ण कुमार, जदयू नेता रामबाबू सिंह, पूर्व प्रखंड उप प्रमुख प्रमोद कुमार प्रभाकर, भाजपा किसान मोर्चा झंझारपुर जिला अध्यक्ष नंद कुमार महतो, संजय राय, राजकुमार राजू, पूर्व मुखिया रामलोचन महतो, सूर्य नारायण महतो, पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार, जिला परिषद सदस्य किशोरी मुखिया के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट।